फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, कश्मीर में इंटरनेट बंद है, सेम सेम। बच्चों को जेल में डाला जा रहा है, सेम सेम। कश्मीर इज अंडर अटैक, सेम सेम। और यहाँ किस तरह हम दिखेंगे कि माइनॉरिटीज को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, और यहाँ की सरकार कह रही है सब चंगा सी। पर ये झूठ अब और नहीं चलेगा। अब हम देखेंगे, आज की रात ही देखेंगे कश्मीर की वो सच्ची कहानी। उसे दिखाने का हमारा वादा है, और उसे दिखाने जा रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट के उम्मीदवार कृष्णा पांडे। कृष्णा, पूरी दुनिया को इंतजार है, बताओ क्या है कश्मीर का सच। एंड द स्टेज इज नाउ योर्स। बताओ हमें, पूरी दुनिया को कश्मीर में तुमने क्या देखा। आजादी, 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 आजादी। तो शुरू हो जाओ। आजादी, आजादी। मैंने देखा एक खुला आसमान। उस आसमान के नीचे हिमालय के खूबसूरत पर्वतों से घिरी हुई एक जन्नत है, और उस जन्नत में एक ऋषि आते हैं और वहां सालों तपस्या करते हैं। तपस्या यानी रिसर्च। वो रिसर्च करते हैं क्योंकि इस जन्नत से ज्ञान की गंगा बह सके। उन ऋषि का नाम था ऋषि कश्यप, और उन्हीं ऋषि के नाम पर इस जन्नत का नाम पड़ा कश्मीर। अच्छी शुरुआत, गुड ओपनिंग, वेरी गुड। शंकराचार्य केरला से पैदल चलते चलते कश्मीर पहुंचे। केरला से कश्मीर। उनके पास कोई पुष्पक विमान नहीं था, सो ही लिटरली वॉक्ड। और उन्होंने हिमालय की गोद में बैठकर सालों रिसर्च किया, क्योंकि फिलोसफी में वो जो रिसर्च कर रहे थे वो सिर्फ जन्नत में ही संभव था, यानी कश्मीर में। हमारे देश से बेस्ट रिसर्चर, बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट साइंटिस्ट फॉरेन जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए। उसी प्रकार भारत के कोने कोने से लोग कश्मीर पहुंचे, क्योंकि फिलोसफी पर जो रिसर्च उन्होंने करना था वो सिर्फ जन्नत में ही संभव था। उसी तरीके से भारत के कोने कोने से बेस्ट रिसर्चर कश्मीर पहुंच गए और अपने बेस्ट ऑफ माइंड पंडित बन गए, पंडित लाइक पीएचडी। मैंने देखा अभिनव गुप्त और उपल देव फिलोसफी पर रिसर्च कर रहे हैं, चड़क और बाण भट्ट आयुर्वेद, सुश्रुत मेडिकल साइंस, जैन भट्ट लॉ, कालिदास संस्कृत लिटरेचर, विष्णु शर्मा मोरल साइंस, पंचतंत्र उन्होंने ही लिखा। मैंने देखा राजा ललितादित्य के शौर्य और पराक्रम को। ये जो फिल्में, टीवी, थिएटर, वेब सीरीज, यानी जो कुछ भी हम नेटफ्लिक्स पर देखते हैं ड्रामा, इस ड्रामे की साइंस अर्थात नाट्य शास्त्र, जिसे पांचवा वेद भी कहा गया है, उसे भरत मुनि ने कश्मीर में ही लिखा। मैंने देखा इन हजारों लाखों पंडितों ने धीरे धीरे इस कश्मीर को असली जन्नत बना दिया। इसीलिए कश्मीर के बारे में कहा गया है, कश्मीर इज द क्रेडिट ऑफ सिविलाइजेशन। ये सब मेथोडोलॉजी है, लाए। बिंगो, ये सब झूठ है। और मुझे भी यही लगता है, क्योंकि हमें किसी स्कूल या कॉलेज में ये सब पढ़ाया नहीं गया। क्यों सर, झूठ है ना ये, तभी तो हमें ये नहीं पढ़ाया गया होगा। अगर ये सब झूठ है तो बुद्धिस्ट कश्मीर क्यों आए, रवि गुप्त और भामा क्यों आए? वो सभी कश्मीर इसीलिए आए क्योंकि कश्मीर इज द सेंटर ऑफ नॉलेज। ये जो नॉलेज का बार है वो सदियों से चला आ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो वे लोग कभी नहीं कहते कश्मीर इज द बर्थ सेंटर ऑफ नॉलेज। और जिसका नॉलेज पर कब्जा, वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आप जमीन पर कब्जा कर सकते हो, लेकिन पंडितों के स्कॉलर के फ्री माइंड पर कब्जा कैसे कर सकते हो? फिर शुरू हुआ एक नया सिलसिला, तलवारों और बंदूकों के जोर पर पंडितों को कन्वर्ट कराने के लिए इंटेरोगेट के सोल्जर भेजे गए, जो जबरदस्ती उनको कन्वर्ट कराने लगे, और जो नहीं मानता था उन्हें पैरों के तले रौंद दिया जाता था। और ये वो लोग थे जो खुद परसिक्यूट होकर कश्मीर आए थे, और कश्मीरियों ने इन्हें पनाह दी थी। ये रब्बिश नहीं बल्कि एग्जैक्ट डिस्कशन है शमसुद्दीन मोहम्मद एरागी की बायोग्राफी में। जानते हो एरागी कौन था? अरे यार, इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो और एरागी के बारे में नहीं पता? जानते भी कैसे हो गए? हमें तो कभी पढ़ाया नहीं। क्यों सर, नहीं पढ़ाया ना?
ऐरागी के बारे में नहीं जानते, हिटलर के बारे में तो सब जानते हैं, जबकि ऐरागी हिटलर से कई हजार गुना ज्यादा खतरनाक था। उसका मकसद काफिरों के मंदिरों और मठों को निस्त नाबूद कर देना था, पंडितों की इनोवेशन को खत्म कर देना था। अभी मुझे किसी ने बोला, कम ऑन डूड, मुझे तो नहीं लगता कश्मीर में ऐसा हुआ। तो अब सुनो, ऐरागी और उसके पीए लूसा के कहने पर रोज 2000 काफिरों को पकड़ कर लाया जाता और उनका जनेऊ काटे जाते और उनके मुंह में बीट डाला जाता। और ये काम करते थे उनके सैनिक, जिन्हें हम सूफी और द रिस्क के नाम से जानते हैं। इफ यू वांट द ओरिजिनल मेनू स्क्रिप्ट, दिस इज अवेलेबल ऑन रिसर्च एंड पब्लिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट एक्सटेंशन नंबर 551। मस्ट रीड। ये सब झूठे झूठे झूठे। कश्मीर का सच इतना सच है कि लोगों को झूठी लगता है। इस इंडिपेंडेंट इंडिया में, इस डेमोक्रेटिक इंडिया में, इस सेकुलर इंडिया में एक बार फिर तलवारों और बंदूकों के जोर पर मारकाट मचाई गई। रैले कैलेप सेले। क्या मतलब है इसका, किसी को पता है? रैले अर्थात कन्वर्ट, सेलेब यानी रन, सेले यानी डाई, अपना धर्म छोड़ो, भागो या मर जाओ। और कहानी यही खत्म नहीं हुई, उन लोगों का एक बार फिर जुलूस निकला, और ना वो ऐरागी ने किया, ना टेररिस्ट ने, ना स्टेट ने, जो किया हमने किया, आपने किया और आपने किया। ये सब झूठे है, we don't want any propaganda. Listen Krishna, जो तुमने देखा वो बोलो, ज्यादा ज्ञान मत मिलो। जो हमने पढ़ा नहीं वो हिस्ट्री नहीं, जो हमने देखा नहीं वो हुआ नहीं, यानी कश्मीर में जेनोसाइड हुआ नहीं, और कोई सच बोले तो ज्ञान मत पेलो। और हमने कभी कश्मीर को नेशनल हेरिटेज समझा ही नहीं, और आज भारत का ये नॉलेज सेंटर नष्ट होता गया। सेम बोलो, हमने मरने वालों को क्यों मार दिया? क्यों मरने वाले सिर्फ कश्मीरी थे ना कि भारतीय? 1990 में सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं को नहीं मारा गया, बल्कि तमाम मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सिख, जिसने भी टेररिस्ट के खिलाफ आवाज उठाई उन्हें मार दिया गया। यहां तक कि यार कश्मीरी सोल को भी मार दिया गया। 1996 में सिनेमा हॉल खुला, वहां गोलियां चला दी गई, कितने टेंपल्स को तोड़ा गया, उन्होंने आग लगा दी गई। क्या वो सिर्फ टेंपल थे? क्या वो भारत का फाइनेस्ट आर्किटेक्चर नहीं थे? भारत का स्पिरिचुअल सेंटर नहीं थे? इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन हेरिटेज सेंटर सब नष्ट कर दिया। स्टॉप दिस, ये बकवास बंद करो, बोलने दो उसे। कृष्णा तुम बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ। बिट्टा ने ओपनली टीवी इंटरव्यू में कबूल किया कि उसने 20 मासूम लोगों की हत्या कर दी, उसने दिन दहाड़े इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को मार दिया, फिर भी उसे इंडिया की टॉप मोस्ट ऑफिस में बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है। आज ये फंक्शन खत्म होगा तो आप लोग कहाँ जाएंगे? अपने अपने घर। हमें अपने घर जाने से किसी का बाप नहीं रोक सकता, लेकिन क्या कभी कश्मीरी पंडितों को अपने घर जाने का मौका मिलेगा? इज दिस जस्टिस? स्टूडेंट हूँ, सो कॉल भारत का यूथ, मुझे दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ, जहाँ जस्टिस नहीं वो राष्ट्र कभी बड़ा नहीं बन सकता। राधेश्याम, प्रोफेसर राधेश्याम सर, एक बार आपने ही कहा था हर कहानी में एक विलन होता है, मगर उससे बड़ा कोई विलेन नहीं जिसने आपकी माँ को छीन लिया हो। और ये कहानी सिर्फ मेरी माँ की नहीं है, आप सबकी भी माँ की है। तो आइए आज देखते हैं कश्मीर का वो असली सच जिसे हम सब से छुपाया गया। और अगर आप में हिम्मत है तो अपने सीने पे हाथ रखिए और हिम्मत करिए उस सच को देखने की। तो आइए देखते हैं उस दिन क्या हुआ था, क्या है कश्मीर की सच्चाई, देखिए।